जी हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को प्रोटेक्ट करता है बट अगेंस्ट दो स्मॉल इन्फेक्शन जिस जो मदर सफर कर चुकी है। ऑल्सो सारे टाइप ऑफ एंटीबॉडीज ब्रेस्ट फीड से बेबी को नहीं जाते, ओनली पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबॉडीज जाते हैं। दैट मीन्स जो जो आपको मिल रहा है प्रोटेक्शन, दैट इज इनकम्प्लीट। सो वैक्सीनेशन करना जरूरी है क्योंकि बाकी जो इतने सारे घातक बीमारियों से जो हम बचा सकते हैं वो हमारी कोशिश जरूर होनी चाहिए। डिजीजेस कॉमन इसीलिए नहीं लग रहे हैं क्योंकि वैक्सीनेशन हो रही है इनके अगेंस्ट, जैसे कि डिप्टेरिया, काला खांसी, पर्ट्यूसिस, टिटैनस। कितना सारे हॉस्पिटल्स भरे पड़े रहते थे टिटैनस के मरीजों से, आज वो नहीं दिखता है क्योंकि आम लोग भी जानते हैं कि चोट लगी तो डॉक्टर के पास एटलीस्ट एक टिटैनस का वैक्सीन लेने जरूर जाते हैं। तो ये इसीलिए नहीं पाए जा रहे हैं क्योंकि इनके अगेंस्ट वैक्सीनेशन से इनकी मात्रा अपने कॉमन पब्लिक में कम हो चुकी है। अगर वैक्सीनेशन रोक दिया जाएगा तो कुछ सालों बाद यही बीमारियाँ हमें वापस दिखेंगी। नेचुरल इन्फेक्शन इम्यूनिटी बढ़ाती है बट किस तरीके से, आपको वो इन्फेक्शन सफ़र करनी पड़ेगी। माने अगर मुझे मीजल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज चाहिए मेरे बॉडी में, मुझे मीजल्स होगा, मैं उस मीजल्स को सफ़र करूंगी चाहे माइल्ड मॉडरेट सीवियर फॉर्म हो और फिर वो एंटीबॉडीज बनेंगे। सो वैक्सीनेशन इज अ वे विदाउट सफरिंग आपके बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं एंड इट इज़ अ बेटर वे ना। नहीं तो आप ये सारी बीमारियाँ सफ़र करके फिर आपको नेचुरल इम्यूनिटी मिलेगी, हर बार आप उसमें से बच निकलोगे ऐसे कोई गारंटी नहीं है। ये सारी बीमारियां जानलेवा भी हो सकती है।